नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर भारतीय फिल्म की मशहूर अभिनेत्री मीनाक्षी सिरोडकर, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे राइट कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बैल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मीनाक्षी सिरोडकर। मीनाक्षी सिरोडकर एक भारतीय अभिनेत्री थी जिन्होंने मुख्य रूप से मराठी फिल्मों, मराठी थिएटर और टेलीविजन में काम किया। इन्होंने 1938 से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और 1970 के दशक की शुरुआत तक फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा। मराठी फिल्म ब्रह्मचारी 1938 में आई थी, इसमें मास्टर विनायक के साथ स्विमिंग सूट में उनकी उपस्थिति ने पारंपरिक दर्शक को आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ दोस्तों, अगर आप मास्टर विनायक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल में देख सकते हैं, उनके ऊपर मैंने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बनाया है। मीनाक्षी सिरोडकर दो बॉलीवुड अभिनेत्री नम्रता सिरोडकर और शिल्पा सिरोडकर की दादी हैं। मीनाक्षी सिरोडकर का वास्तविक नाम रतन पेडनेकर। मीनाक्षी सिरोडकर का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को एक महाराष्ट्रीयन परिवार में रतन पेडनेकर के रूप में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 1936 में उन्होंने डॉक्टर सिरोडकर से शादी की जिनसे उन्हें एक बेटा हुआ। जिन्होंने मराठी अभिनेत्री गंगूबाई से शादी की और उनकी बॉलीवुड अभिनेत्री नम्रता सिरोडकर और शिल्पा सिरोडकर बच्ची है। इन्होंने फिल्म उद्योग में अपना नाम कमाया है। नम्रता को मिस इंडिया का ताज पहनाया गया था और उन्होंने टॉलीवुड अभिनेता महेश बाबू से शादी की और उनके दो बच्चे हैं। 4 जून 1997 को सिरोडकर का 80 वर्ष की आयु में मुंबई में निधन हो गया। 1935 में मीनाक्षी सिरोडकर ऑल इंडिया रेडियो AIR में शामिल हो गई, जहां उन्होंने रेडियो नाटकों में काम किया। 1936 में उनकी शादी के बाद उन्हें हंस पिक्चर्स नामक फिल्म कंपनी के साझेदारों में से एक पांडुरंग नायक से एक फिल्मी प्रस्ताव मिला। हालांकि सिरोडकर ने शुरुआत में इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन नायक ने सिरोडकर के पति को आश्वस्त किया कि उन्हें फिल्म से डेब्यू करना चाहिए। सिरोडकर ने 1938 में मास्टर विनायक के साथ मराठी फिल्म ब्रह्मचारी से डेब्यू किया। फिल्म के लेखक प्रहलाद केशव अन्ने, जिन्हें आचार्य अन्ने के नाम से भी जाना जाता है, उनकी बड़ी बड़ी आंखों के अनुरूप उनका नाम रत्ना से बदलकर मीनाक्षी कर दिया, जिससे उनका नाम मीनाक्षी सिरोडकर हो गया। इन्होंने फिल्म में गाने यमुना जाली खेलू खेलू में स्विमिंग सूट पहनकर तहलका मचा दिया और पारंपरिक दर्शकों को आश्चर्यचकित कर दिया। मीनाक्षी सिरोडकर अपने जमाने की बेहद ही साहसी अभिनेत्री थी। गाने में अपने टीन प्लेट हेयर स्टाइल के लिए बेहद प्रसिद्ध थी, लेकिन उनकी भारी आलोचना भी हुई। जिस गाने से ये बेहद फेमस हुई, ये गाना उन्होंने खुद गाया और हिट हो गया। इसे इसी नाम से नाटकों में आज भी नाटकों में भी पुनः उपयोग किया गया और वर्षों बाद अन्य फिल्मों में भी। उन्होंने मास्टर विनायक के साथ कई अन्य फिल्में करना जारी रखा, जैसे ब्रैंडी ची बटली 1939, घर किरानी 1940, अमृत 1941 और माझे बल 1943। 1950 में प्रमुख भूमिकाओं से सेवानिवृत्त होने के बाद मीनाक्षी सिरोडकर ने फिल्मों में कुछ छोटी मोटी भूमिकाएं निभाई और नूतन संगीत नाटक मंडली के साथ मराठी थिएटर में शामिल हो गई। 1950 से लेकर 1975 की अवधि के दौरान उन्होंने 12 संगीत नाटकों में काम किया, जिन्हें मच्छी कटिक, मान अपमान, एकच प्याला अन्य शामिल है। ऐसे तो मीनाक्षी ने बहुत सारी फिल्मों में काम किया दोस्तों, लेकिन मैं आपको उनके
कुछ ही फिल्मों का नाम लूंगा, सारी फिल्मों का नाम लेना तो संभव नहीं है। 1938 में आई ब्रह्मचारी, इसमें उन्होंने किशोरी थी और ये मराठी और हिंदी दोनों भाषा में बनी थी। 1949 में आई देवता, इसमें पुषा के कैरेक्टर में थी, मराठी फिल्म थी। 1949 में ब्रांडीची बटली, इसमें वो मालती बनी थी, ये मराठी पिक्चर भी थी और हिंदी भी थी। हिंदी में इसका नाम था ब्रांडी की बोतल। 1940 में लापंडाव मराठी फिल्म थी। 1940 में अर्धांगिनी और हिंदी में थी, घर की रानी, इसमें सावित्री की भूमिका निभाई थी, ये हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी। 1941 में अमृत, ये हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी, इसमें गुलाब का कैरेक्टर था उनका। 1941 में झूला, ये हिंदी फिल्म थी। 1942 में जवानी, हिंदी फिल्म थी। 1943 में माझे बल, ये मराठी फिल्म थी, इसमें शशि की भूमिका में थी। 1943 में संगम, मराठी फिल्म। 1943 में अमानत, हिंदी फिल्म। 1944 में चिमुकला संसार, मराठी फिल्म थी। 1944 में रामशास्त्री, हिंदी और मराठी दोनों भाषाओं में बनी थी। 1945 में बड़ी माँ, इसमें ऊषा के कैरेक्टर में थी, हिंदी फिल्म थी ये। 1945 में पन्नादाई, मराठी फिल्म थी। 1952 में पेली चेसी चुड्डू और कल्याणम पन्नी पारा, तेलुगु और तमिल फिल्म थी दोस्तों ये। 1955 में रफ्तार, हिंदी फिल्म। 1957 में मिस मैरी, हिंदी फिल्म। 1958 में राजतिलक, हिंदी फिल्म। 1966 में गबन, हिंदी फिल्म। 1968 में मेरे हुजूर, हिंदी फिल्म। 1970 में मुजरिम, हिंदी फिल्म। 1972 में पाकिजा, ये हिंदी फिल्म थी। इन्होंने जिन नाटकों में अभिनय किया उनके मैं कुछ के नाम बता देता हूं आपको। मृच खटिक मराठी नाटक, संचय कल्लोला मराठी, मान अपमान मराठी, सौभद्र मराठी, एकच प्याला मराठी, भाव बंधन मराठी, उदयाच संसार मराठी, तो इनके कुछ नाटकों के नाम थे। दोस्तों मीनाक्षी शिरोडकर के बारे में संक्षिप्त में एक बार फिर से जानकारी देना चाहूंगा। मीनाक्षी शिरोडकर का वास्तविक नाम रतन पेडनेकर, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 को हुआ था, इनकी मृत्यु 3 जून 1997 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। इन्हें ब्रह्मचारी फिल्म के लिए बेहद लोकप्रियता मिली थी और इन्हीं से उन्हें पहचाना जाता है। इनके रिश्तेदार में नम्रता शिरोडकर, शिल्पा शिरोडकर इनकी पोती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।